हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और आप इसी तरह मुझे अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, साथ में लाइक एंड शेयर करना अवश्य जरूर जरूर से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल जीएस अड्डा विद पीसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना विद बेल आइकन के बटन के साथ में आपको सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की 25th पार्ट की, और इसमें भी मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो अपन चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। डियर फ्रेंड्स, ये यूपीएससी एनडीए यानी कि 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आपको बताना कि मैं कौन सा एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। नंबर वन खमीर, जिसको यीस्ट भी कहते हैं। टू जीवाणु। थ्री पादप। फोर मानव। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड, इसके राइट आंसर को जाने तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, जीवाणु। क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक प्रकार के यूकेरियोटिक जीव न होकर एक प्रकार के प्रोकेरियोटिक जीव होते हैं, इसीलिए जीवाणु प्रोकेरियोटिक जीव होने की वजह से इनको यूकेरियोटिक जीवों के अंतर्गत स्थान नहीं दिया गया है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नंबर वन शटन व बावेरी। टू मेंडल। थ्री न्यूटन। और फोर डी ब्रिज ने, इनकी हुई क्यों डी ब्रिज ने। तो आपको बताना है कि वंशागत का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वन, सट्टन व बावेरी ने, यानी कि सट्टन और बावेरी ने सबसे पहले वंशागत के गुणसूत्री का सिद्धांत दिया था। ओके फ्रेंड, और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने मिलेंड्रियम एल्बम नामक पादप के लिंग निर्धारण को खोजा। नंबर वन एच ई वान के। टू टेमिन। सी सी वी डिवेज। और फोर विल्सन व स्टीवेंसन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से वैज्ञानिक जिन्होंने मिलेंड्रियम एल्बम नामक पादप के लिंग निर्धारण को खोजा था। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन वन, एच ई वार्म के, यानी कि एच ई वार्म के नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले मिलेंड्रियम एल्बम नामक पादप में लिंग निर्धारण को खोजा था। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अतिवर्धन क्या होता है या अतिवर्धन का अर्थ क्या है। नंबर वन किसी कोशिका के आकार में वृद्धि। टू पेशी की अत्यधिक गतिशीलता। थ्री अति लोलुपतापूर्ण खान पान। और फोर कोशिका की संख्या में असामान्य वृद्धि, यानी कि बताना अतिवर्धन की अत्यधिक मात्रा में बढ़ोतरी को क्या कहते हैं, अतिवर्धन क्या कहे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, कोशिका की संख्या में असामान्य वृद्धि, यानी कि जो हमारे शरीर में जो सेल्स पाई जाती है उनमें अगर उनकी संख्या में असामान्य यानी कि असीमित वृद्धि होती जाए तो उस कंडीशन को कहा जाता है अतिवर्धन। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयोजी ऊतकों में निम्न संरचनाओं अथवा कोशिकाओं में से कौन सा एक उपस्थित नहीं होता है। यूपीएससी आईएएस प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि संयोजी ऊतकों में से कौन सी ऐसी संरचना कोशिकाएं होती है जिनमें से ये उपस्थित नहीं होता है। नंबर वन कॉन्ड्रोसाइट, जो पाशाणु भी कहते हैं। टू तंत्रिकाद या एक्सोन। थ्री कोलेजन फाइबर। और थ्री लिम्फोसाइट। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा है जो संयोजी ऊतकों, कौन सा संयोजी ऊतक है जो संरचनाओं कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, तंत्रिका दिया एक्सोन, जो न्यूरॉन का एक पार्ट होता है एक्सोन, ये संयोजी ऊतक होता है जो कोशिका संरचना कोशिकाओं में प्रेजेंट नहीं होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लूओराइड दंत मंजन का क्या कार्य है। नंबर वन प्लाक के बनने को रोकता है। टू दांतों के इनेमल को मजबूत करता है। थ्री रोगजनक जीवाणुओं को मारता है। और फोर दांतों के दर्द की रोकथाम करता है, यानी कि एनडीए और नेवी के एग्जाम में पूछा गया है 2016 में। तो फ्लूराइड दंतमंजन के बारे में बताना है, जो फ्लूराइड दंतमंजन होता है फ्रेंड, वो दांतों के जो इनेमल पार्ट होता है, जो सबसे मजबूत पार्ट होता है, उसको मजबूतता प्रदान, उसको दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है कौन, फ्लूराइड दंतमंजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, दांतों के इनेमल को मजबूत करना। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार नाल में निकला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि। नंबर वन ग्रास नली की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं। टू भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रभावित होता है। थ्री गुरुत्वीय बल लगता है। फोर हष्टपुष्ट जीव भोजन को नीचे जाने के लिए बल प्रदान
करती है। तो आपको बताना है जो अपना अपनी जो ईश्वर हमारी जो आहार नाल होती है, अब जिसके अंदर से अपन भोजन को लेने का कार्य करते हैं, जब भोजन उसमें उसमें निकला जाता है तो भोजन नीचे की ओर गति करता है, तो किस वजह से गति करता है? तो फ्रेंड जब भी अपन भोजन को अपने मुख में लेते हैं तो अपना सबसे स्वागत मुख की शुरुआत होती है पाचन के, अपने मुख से स्टार्ट होती है, क्योंकि अपने मुख के अंदर विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो एमाइलिन स्टाइलिन ये सारी जो भोजन को पचाने का कार्य करती हैं। तो जो ही अपन भोजन को चबाते हैं उसको लसलसा बनने के बाद में जो अपनी लार जो लार मिलकर के जो ही भोजन नीचे की ओर जाता है ग्रास नली में जाता है, तो उसकी जो ग्रास नली की भित्ति होती है उसकी पेशियों के बीच में संकुचन करती हैं और संकुचन की वजह से ही वो भोजन सीधा अपनी ग्रास नली की ओर चला जाता है, जाने के बाद में आगे जाके उनका आगे से आगे पाचन हो जाता है। और सबसे पहले अगर सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट का पार्ट होता है वो होती है हमारी छोटी आंत, जिसमें जाके सबसे ज़्यादा पाचन होता है भोजन का, उसके बाद में बचा खुचा पाचन होता है वो बड़ी आंत में जाकर उसका कूच आता है। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वन, ग्रास नली की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? ये यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया है कि ब्लड बैंक की तरह कार्य कौन करता है। नंबर वन पित्ताशय, टू यकृत, थ्री हृदय और फोर प्लीहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर प्लीहा, स्प्लीन, जिसको ब्लड बैंक कहा जाता है, ये होता है जो हमारे शरीर के लिए एक ब्लड बैंक के रूप में कार्य करता है, उनकी खून का बैंक होता है, यानी कि इसमें खून का अत्यधिक मात्रा में जमा होता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक कहा जाता है। बात करें यकृत की, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि की बात करें तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि होती है। और हृदय के बारे में आप सब जानते ही हैं कि हृदय एक ऐसी अनवरत क्रिया है, यानी कि जो कभी थकता नहीं है, ये दिन रात चलता रहता है, और जिस दिन इसका चलना बंद हो जाए ये समझ लो उस दिन आदमी का सब कुछ बंद हो जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक वसीय अम्ल की कमी के कारण होता है? किरीटो मलेशिया, टू त्वचा के लक्षण में बालों का झड़ना, थ्री काली जिह्वा और फोर मराश्मश रोग। तो आपको बताना है जो आवश्यक वसीय अम्ल की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो उसकी वजह से होता है फ्रेंड त्वचा के लक्षण में बालों का, यानी कि त्वचा में विभिन्न प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, इसके अलावा अपने शरीर से जो बाल हैं बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस कमी वो किस कमी से होता है कि हमारे शरीर में जब फैटी एसिड की कमी हो जाती है, जो वसीय अम्ल होते हैं फैटी एसिड्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है, उसकी वजह से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं त्वचा पर, और बाल भी झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। ओके फ्रेंड, बात करें मरास्मस रोग की, तो जो मरास्मस रोग होता है ये ऊर्जा की कमी के कारण होता है, गंभीर कुपोषण रोग होता है ये। किसके कारण होता है? ऊर्जा की कमी के कारण होता है और ये गंभीर कुपोषण रोग होता है। यह रोग क्वाशियों को, जिसको अपन प्रोटीन माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, उस बीमारी से अलग रूप में पहचाना जा सकता है, क्योंकि अगर बात करें जो क्वाशियों को रोग होता है उसमें ऊर्जा के सेवन के बाद प्रोटीन की कमी होती है, इसमें क्वाशियोकोर में, जबकि मरास्मस रोग की बात करें तो मरास्मस रोग में प्रोटीन सहित तो सभी रूपों में अपर्याप्त जो ऊर्जा का सेवन होता है उसके बाद में किया जाता है। कहने का मतलब जो क्वाशियोकोर रोग होता है उसमें तो ऊर्जा ही क्या होगी, कमी होगी, जबकि मरास्मस रोग की बात करें तो उसमें जो ऊर्जा का सेवन किया जाता है वो प्रोटीन के सहित, यानी कि प्रोटीन मिक्स के साथ में जो इसका सेवन किया जाता है वो ऊर्जा के सेवन के बाद तक भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रोटाबेक टीके का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो आपको बता रहा है कि रोटाबेक टीका है, इसका उपयोग किसमें करते हैं? नंबर वन डायरिया, टू बीपी जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, थ्री कैंसर और फोर एड्स। तो फ्रेंड जो रोटाबेक का टीका होता है उसका उपयोग डायरिया के उपचार में किया जाता है, और ये जो रोग होता है ये जो इसके लिए जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनमें डायरिया का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है रोटा वायरस, यानी कि डायरिया रोग होता है वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है, और उसका जिम्मेदार वाहक होता है वो होता है रोटा वायरस होता है, जिसको अपन रोटा वायरस कहते हैं, इसी के नाम पर इसका नाम रोटा बैक टीका रखा गया, जो डायरिया के उपचार के लिए काम में लिया जाता है। ओके फ्रेंड, और रोटाबेक टीके का निर्माण हैदराबाद की एक संस्था है, जिसको हैदराबाद संस्था भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हैदराबाद की संस्था भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा रोटाबेक टीके का निर्माण किया जाता है। बात करें अपन कैंसर की, तो कैंसर एक तरह से असंख्य कोशिकाओं का में अनियमित वृद्धि के कारण कैंसर होता है, कि हमारे इसमें जो कोशिकाओं में उसमें अनियमित वृद्धि हो जाती है और एक कोशिका कई कोशिकाओं का निर्माण बना लेती है, और जिसको अपन कैंसर का वैसे जाए तो केकड़ा होता है, यानी केकड़े को देखा होगा आपने, उसकी कई सारी टांगी होती हैं, बस उसी तरह हमारे शरीर में जो सेल्स होती हैं एक सेल से कई प्रकार की डिफरेंट सेल्स निकलती हैं और वो कैंसर का रूप ले लेती है, जो एक बहुत ही घातक बीमारी है। बात करें एड्स की, उसके उपचार के कोबाल्ट 60 का और कीमोथेरेपी सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यूज की जाती है। एड्स की बात करें तो एक एड्स
एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। और बात करें एचआईवी, तो एचआईवी की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो वायरस होता है। ओके फ्रेंड, और ये बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जो किसी के हाथ मिलाने से, किसी के साथ खाना खाने से, किसी को छूने से नहीं फैलती है। ये बीमारी ऐसी बीमारी जो किसी के साथ में असुरक्षित सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से, यौन संबंध बनाने से, इसके अलावा एक ही इस्तेमाल की गई सुई का बार बार उपयोग करने से, इन सब की वजह से फैलता है एड्स। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, यानी किसी भी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर डिपेंड करते हैं? नंबर वन, तत्व के समस्थानिकों की संख्या पर। टू, तत्वों की द्रव्यमान संख्या पर। थ्री, तत्वों की कुल संख्या पर, न्यूट्रॉन की कुल संख्या पर। और फोर, तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो जो किसी भी तत्व के जो केमिकल करेक्टर्स होते हैं, वो उस तत्व के सबसे जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रेजेंट होती है, जो कोई भी एक तत्व है उस तत्व के जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगी उनकी संख्या के ऊपर डिपेंड करता है किसी तत्व का केमिकल करेक्टर। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन फोर, तत्व के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अल्प क्रियाशील है? नंबर वन मैग्नीशियम, टू पोटेशियम, थ्री सोडियम, फोर कैल्शियम। ये बीपीएससी बिहार सिविल सर्विस सेवा में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे अल्प क्रियाशील पदार्थ होता है वो होता है मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम होता है वो पदार्थ अत्यल्प क्रियाशील पदार्थ होता है, क्योंकि इसमें अत्यधिक, और इसके अलावा सबसे क्रियाशील पदार्थ की बात करें तो वो होता है सोडियम। और इसलिए कहा जाता है कि जो सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे अत्यधिक क्रियाशील पदार्थ हैं, उनको हमेशा नमी के संपर्क से हमेशा बचा के रखा जाता है, हवा या नमी के संपर्क से बचा के रखता है। क्योंकि विस्फोटक के पदार्थ जो ही इनके संपर्क में आते हैं, नमी या हवा के संपर्क में आते हैं, तो इनमें एक विस्फोट पैदा होते हैं और एक ज्वाला के साथ में जलने लग जाते हैं, जो किसी भी इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। तो इसीलिए इनको, सोडियम और पोटेशियम को, हमेशा केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? नंबर वन टिन, टू टंगस्टन, थ्री टेंटेलम और वो टाइटेनियम। तो आपको बताना है कि मुझे कौन सी है जो चंद्रमा की सतह पर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर टाइटेनियम, यानी कि टाइटेनियम होता है वो चंद्रमा की सतह पर पाया जाने वाला तत्व होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया था? ये आरआरसी एनटीपीसी 2017 और आरआरसी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। और फिर से इसके चांसेस रिपीट होने के, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताना कि इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया था। नंबर वन जेएल बेयर्ड, टू जे थॉम्सन, थ्री रदरफोर्ड और फोर जेम्स चैडविक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू जे थॉम्सन ने, यानी कि इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले अध्ययन किया था जे थॉम्सन ने। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। हंसाने वाली गैस कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड में, पटवारी में, इन सब में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नंबर वन है कार्बन डाइऑक्साइड, टू नाइट्रस ऑक्साइड, थ्री सल्फर डाइऑक्साइड और फोर हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो बताना है कि हंसाने वाली गैस कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है कहलाते हैं। नंबर वन फर्मी तापमान, टू केल्विन तापमान, थ्री क्यूरी तापमान, फोर न्यूटन तापमान। तो आपको बताना है कि वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री क्यूरी टेम्परेचर। उसको अपन कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है, जिसके ऊपर किसी भी चुंबक का चुंबकत्व हमेशा कम होने लगता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबक याम्योत्तर क्या है? यूपीएससी एनडी में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि चुंबकीय याम्योत्तर क्या है। नंबर वन एक काल्पनिक बिंदु, टू काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल है, थ्री काल्पनिक क्षैतिज तल है और फोर उत्तर दक्षिण के अनुदिश एक काल्पनिक रेखा है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल, यानी कि एक होरिजोनटल जो तल होता है, काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल होता है, वो चुंबकीय याम्योत्तर होता है। वो चुंबकीय याम्योत्तर एक ऐसे काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल है जो कि स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक के अक्ष से होकर गुजरता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण कब होता है? ये यूपीएससी एनडीए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है
टू जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, थ्री जब पृथ्वी व सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है, और फोर पृथ्वी व चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। तो आपको बताना है कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है, जो अभी जस्ट 21 तारीख को हुआ है, तो आपको बताना है। अगर आपने अच्छे से उसको देखा होता बता सकेंगे कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, सूर्य जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। कहने का मतलब अगर सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होते तो उनके बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है, उस कंडीशन में जो चंद्रमा होता है वो पूरे सूर्य को अपनी परछाई से ढक लेता है, उस कंडीशन में जो ग्रहण होता है उसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपग्रह का उपयोग होता है, नंबर वन संचार हेतु, टू मौसम की भविष्यवाणी हेतु, और थ्री कृषि व वानिकी हेतु, और फोर उपयोग उपयुक्त सभी के लिए। तो आपको बताना है जो भी एक उपग्रह होता है उसका उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर, उपयुक्त सभी, यानी कि संचार माध्यम के लिए, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, इसके अलावा जो कृषि के क्षेत्र हैं उनके लिए भी उपग्रह का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके माध्यम में मौसम की भविष्यवाणी की जाती है, संचार क्षेत्र के बारे में बताया जाता है, और कृषि के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु या पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो क्या होता है, ये एसएससी 10+2 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नंबर वन, इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता है, टू इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, थ्री इस पर कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, फोर इसका वेग एक समान बना रहता है। तो आपको बताना है कि कोई भी एक वस्तु है अगर वो एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो उस पर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, इसका वेग एक समान बना रहता है। कहने का मतलब जब भी कोई एक वस्तु एक वृत्त के चारों ओर एक सर्कल के चारों ओर आपस में एक समान चाल से घूम रही है तो उसके वेग में कोई परिवर्तन होता है, जिस गति से वस्तु घूम रही होती है उसी गति से उसका वेग भी उसके समान बना रहता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या वाकई में आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेंबर या आपके किसी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो जाइए और अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बस इतना सा होगा कि कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड को अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेगा और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है वो उन तक पहुंच पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे अवश्य बताएं, और आप भी कोई भी किसी क्वेश्चन के प्रति या और कुछ नया इनिशिएटिव आप चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज अवश्य पिन करें। तो धन्यवाद फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। लास्ट में इतना सा कहूँगा, आप इससे पिछले वाला वीडियो आप एंड स्क्रीन में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन बटन के साथ में, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने फिर एक निर्धारित समय सुबह 9 बजे क्लास को अवश्य अटेंड कर सके। तो धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।